शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। नवाजुद्दीन ने इस पूरी फिल्म का जो भार जो है अपने सक्षम कंधों पे उठा के चले हैं, तो हमारी इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन कलाकार हैं ये। हर साल वो साबित कर रहे हैं, ये साल भी साबित करेंगे, ये मेरा मानना है। अभी तो फिलहाल कैबरे की शूटिंग चल रही है, ऋचा चड्ढा के साथ पूजा भट्ट की सीरीज़ में इनके बना रहे हैं, तो अभी शूटिंग चल रही है उसकी। बेहतरीन है और आई थिंक हम लोग को बहुत देख प्रभावित हैं और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, तो प्लीज़ ये फिल्म देखिए। और खासकर मैं सबको ये कहूँगी कि दिस इज़ अ मस्ट स्पेशली फॉर यंगर पीपल हु फाइंड देयर लाइफ्स अ वेरी हेक्टिक एंड टफ। आई थिंक दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। थोड़ी 5 मिनट की निकली थी शायद, उसके लिए हम कल आएंगे और फिर से हम थिएटर में भी जाएंगे, तो ताकि जी नवाजुद्दीन एक तो हमारा पड़ोसी है एक्चुअली मेरठ का, और वो हमारा पुराना याड़ी है और अच्छे वाले दिनों का याड़ी है। आजकल तो चलिए चमक के दिन हैं, लेकिन बगैर वाले चमक जो दिन थे तब के हम लोग साथी हैं, तो बात ही अलग है। तो जितनी रगड़ होती है वो तो चमक भी उतनी ही होती है, इसीलिए वो दिखती है। वो खा गया बिल्कुल, एक्टिंग उसने ऐसी की है कि मतलब समझ लीजिए जैसे एक्टिंग नाम की चीज़ को खा गया हो चबा के, मतलब उसने घास खा ली और मतलब छोटे छोटे तिनके खा लिए, तो वो जान ही ले ली उसने। देखिए यहाँ पर क्या है, ये देश ऐसा है साहब, यहाँ तो अच्छी अच्छी ज़िंदगी लीक हो जाती हैं, फिल्में तो छोड़िए, तो यही तो इस देश की दुख भरी दास्तान सुनाई गई है। मतलब उसकी डेथ, दशरथ मांझी की डेथ के बाद सरकार ने रोड बनाई है, तो सोचिए जिस देश में इतना स्लो चल रहा हो सब काम, तो ऐसे में तो बहुत गलत काम तो यहाँ बहुत जल्दी हो जाते हैं, अच्छे काम थोड़े देर लगती है, लेकिन अच्छे काम भी हो जाते हैं हमारे देश में। थैंक यू वेरी मच। अब ये ना कहिए, अब देखो इतनी देर बाद तो सड़क बनी है, अब आप फिल्म ऑस्कर तक भिजवा रहे हो, बस दुआ करो कि पहले कुछ लोग आ जाएं थिएटर तक, क्योंकि जैसा मैंने बताया अच्छी चीज़ों में बहुत देर से जागता है हमारा देश। तो मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, सब लोग पहले ये थिएटर तक चले जाएं और अच्छे से देख ही लें, ऑस्कर तो बहुत दूर की बात होती है। नमस्ते। पैशन से फिल्म बनाई है और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ कदम में फिल्म बनाई है। खान ग्रुप ने किसी को बोला? अभी तो नहीं बोला, लेकिन जरूर आने वाले टाइम में जरूर इनवाइट करेंगे। और बाकी केतन मेहता जी डायरेक्टर? हाँ डायरेक्टर सब आ रहे हैं। कबीर खान को बिल्कुल वो सब आ रहे हैं। नवाज सर, जैसे कि आपने कहा था कि फिल्म रिलीज होने से पहले आप हमेशा नर्वस हो जाते हैं, और आज तो फ्रेंड्स एंड फैमिली फिल्म देखने वाली है, तो कोई नर्वसनेस बाकी है? ऑफकोर्स नर्वसनेस तो रहती है, थोड़ी बहुत तो नर्वसनेस रहती है, क्योंकि ऑडियंस किस तरीके से लेगी फिल्म को, बट मुझे तो बहुत उम्मीद है, क्योंकि जो प्रोमो था बहुत बड़ा वायरल हुआ था और डायलॉग्स लोगों के याद चिपक रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली उम्मीद तो हर आदमी उम्मीद ही करता है। जैसे कि हमने देखा है कि जो मांझी की जो फैमिली है, रियल लाइफ फैमिली जो है, वो काफ़ी तकलीफ में है, वो मतलब उनके जो फ्रेंड्स हैं बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास और भी लोअर मिडिल क्लास है, तो कभी आप मिलने गए उनसे? हम अभी मिल के ही आ रहे हैं उनसे, हम लोग वहीं थे, हाँ गहलोर में थे, और जो अपनी जो बायकॉम हैं और कैप्टन सर, उन्होंने काफ़ी हेल्प भी किया, उनसे भी हेल्प किया, और हर तरीके से तैयार हैं उनकी हेल्प करने के लिए। और डेफिनेटली अगर हमारी फिल्म का कुछ होता है
तो हम उम्मीद कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें से भी कुछ वो करेंगे। फिल्में दिखाने के लिए कुछ दिखाएगा फिल्म वो सबको हम लोग इन्वाइट करके आए हैं, वो डेफिनेटली ज़रूर देखेंगे। आने वाले समय में क्या फिल्म करेंगे? आने वाले समय में प्रोजेक्ट क्या क्या है अभी? तो मेरा सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है रईस, तो उसका शूट हो चुका है शेड्यूल और डेफिनेटली नेक्स्ट शेड्यूल के लिए एक्साइटमेंट है। ओके थैंक यू सो मच। हेलो जी, क्या रिस्पॉन्स मिला आपको फिल्म के लिए? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द फिल्म? मी आई एम एक्सपेक्टिंग फर्स्ट ब्लॉकबस्टर व्हिच इज नॉट अ हार्डकोर कमर्शियल फिल्म। हम लोग मैं नवाज सारा टीम जो है वो भारत भ्रमण पे निकला था इस फिल्म के साथ, ये सोच के कि चलो डायरेक्टली ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेंगे। हम लोग शहर शहर जाकर वहाँ के स्कूल्स कॉलेजेस में स्टूडेंट से मिले और बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस मिल रहा है। जहाँ जहाँ भी गए नवाज़ की पॉपुलैरिटी जो है वो तो देखने को थी, वहाँ पे ग्रास रूट्स तक उसकी पॉपुलैरिटी छाई और फिल्म को भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग। बहुत ही प्यारा रिस्पांस मिला। हम वहाँ उनके गांव गए, उनके परिवार वालों से मिले, गांव वालों से मिले और उनका भी बहुत प्यार भरा रिस्पांस है। वो भी पहले दिन फिल्म देखेंगे जब। काफ़ी पहले लीक हो चुका था। वायाकॉम 18 इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग द फिल्म, दे आर द बेस्ट इन द बिजनेस, सो आई होप दे आर डूइंग एवरीथिंग दैट कैन बी डन। और कहीं जो लीक हुआ था वो एक पुराना एडिट था इस फिल्म का, हम और फिर भी इसने सोशल मीडिया पे काफ़ी बस क्रिएट किया, तो हमें उम्मीद है कि इससे तो वर्ड ऑफ माउथ हो कि ये फिल्म और चलेगी। और मुझे लगता है कि एक बड़े से पहाड़ की कहानी एक छोटे से लैपटॉप पे देखने में आपको कुछ भी इमोशन नहीं आएगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप रिव्यू ही पढ़ लो फिर, है ना। देखने का एहसास जो है इस फिल्म का कम से कम वो बड़े पर्दे पे। हाँ जी, ऑल स्टॉप स्टेप्स शुड बी टेकन और डॉन शुड बी बैंड। यप, थैंक यू। का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा आ रहा है और लोगों को डायलॉग बड़े पसंद आ रहे हैं फिल्म के, और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बना है, क्योंकि प्रोमो वगैरह भी काफ़ी बड़ा हिट हुआ उसका, तो पॉसिबल अब रिलीज पे है, देखते हैं क्या होता है। फिल्म ऑफकोर्स बहुत इम्पोर्टेंट है और फिल्म से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि एक ऐसे आदमी की कहानी, एक ऐसे आम आदमी की कहानी जिसको हम मतलब चाहते हैं कि वो उनके बारे में सब जाने, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा
चैलेंजिंग रोल था सबसे, और इसलिए हुआ क्योंकि एक आदमी जो 22 साल से सिर्फ एक ही चीज़ सोचता है और अपने प्यार के लिए और उसको पहाड़ तोड़ देता है, तो ऑफकोर्स बहुत मुश्किल होता है ऐसे माइंड में। सिमिलरिटी एक है कि वो भी उनको भी पागलपन था और हमारे मेरे साथ भी जुड़ा हुआ ये पागलपन अपनी एक्टिंग को लेकर, तो वहाँ से रिलेट किया चीज़ें। अब उनको बोलूँगा मैं तो ऑफकोर्स, अगर बहुत अच्छा रहेगा अगर आएंगे तो देखिए। हाँ हाँ ऑफकोर्स, हम लोग गए थे कि गहलोत गए थे उनके गांव में गए थे, और जो बायकॉम है वो काफ़ी फाइनेंशियली भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। वो तो बहुत खुश हैं और उनको ये सबसे अच्छी बात ही लग रही है कि उनके जो बेटे हैं वो बता रहे थे कि उनके फादर का इतना बड़ा हर आदमी जान रहा है अब उनके बारे में, तो बहुत अच्छी बात है। I'm looking forward to seeing Manji very much. It's a very interesting idea. It's a true story. It's a very powerful story. And I've known Ketan Mehta for a long time, and Nawaz is a dear friend. He was also in my first film, Firar. So when they invited, I'm here in support and as a good audience. Yeah, thank you. You're hearing it, right? Yeah, the buzz is good, but I wanted to invite from you all the buzz. I think the buzz is excellent. The buzz is what we had expected for. Despite the various challenges that you're obviously aware, I think we're very proud to be where we are. I think the spirit of the film is about moving mountains, and I think with a film like this, we will hopefully move mountains. What all measures have you guys taken after the leak happened? What all measures have you taken, and what do you want government to do so that in future, situation like this doesn't happen again? So number of measures we've taken, we've got a John Doe order against all the ISPs. We've actually also put a complaint in the cyber branch of the Mumbai police cell. So this is actually not just a civil offence, it's also a criminal offence. Besides us, of course, we are trying to go after the various infringing sites which are there. But I think beyond all this, somewhere this movie and what this movie is all about will make people feel that they should perhaps, in the right frame of mind, do the right thing and watch it where it's not best, which is in the theatres. We'll be right back.
नवाज के साथ इसके बारे में बहुत बात की थी, मतलब ही इज़ वेरी वेरी पैशन अबाउट दिस फिल्म. ऑल्सो मेरे दोनों को स्टार्स राधिका आप्टे एंड नवाज सर बोथ आई इन दिस फिल्म, तो आई वॉज एनी वे लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस. एंड केतन मेहता ने बनाई है एंड इट्स वंडरफुल. इट्स बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरी एंड सच फिल्म्स हैव टू बी इनकरेज and it's I think it could be one of Nawaz sir's best performances. People should go and watch this film definitely. If you're a cinema lover, then definitely go watch it. If you talk about patience, this man had took 22 years just to break the market. Patience ki baat kare, how is Varun when it comes to patience? When it comes to patience, I'm not really very good, but I try and learn when I work with other people. Like I said, I've worked with Nawaz bhai, so learning how they go about the art, how they go about the craft. Such gifted performers. So I think I need to still develop that in me. I'm not really good at that. Film jo thi wo leak ho gayi thi, jab censor board pe gayi thi tab film leak ho gayi thi and it is now out with people. What do you think as a person of film fraternity? Honestly, I think a good film needs to be enjoyed in the theater. So मैं दरख्वास्त करूँगा सबसे कि प्लीज़ जाके थिएटर में देखें. जो लीक हुई थी वो बुरी बात है, आई गेस दैट शुड नॉट हैव हैपेंड, बट नाउ दैट्स आउट, गो वॉच इट विद द फैमिली. इट्स गुड सिनेमा, गिव इट अ ट्राई. All those moments I already went through, and he just makes me very comfortable when I'm around him. And he's a wonderful producer to have. So he just makes not only me but I think the entire cast really easy. And post Bandhapunjava reports that you have hiked your fees. So how to? You know, I'll say this now, and I truly believe that if there's a film that I really believe in, money is not a criteria. That for me, I'll go out of my way to do a film. And some films where you can. Where an actor deserves to be paid the money and he can get the money, then well and good, but I don't do films for money. Thank you. Radhika, how's the response been from Manjita Mahmood's band? It's the internal right now, so I don't know. But so far, wherever we've gone and whoever we've met, it's only been positive. So. आज मुझे हथौड़ा लेके उसके सर पे रखने का मौका मिला, सो आई एम वेरी हैप्पी. ही इज आल्सो, आई मीन दे ऑल गोइंग टू वॉच द फिल्म, सो आई एम वेरी एक्साइटेड दे केम टुडे. इट्स रियली स्वीट. His compliments and his criticism both are important. And he's a very honest critique, actually. And we share that relationship, which is extremely special. आज जो फिल्म का प्रीमियर है स्पेशल, उससे पहले कई लोगों ने देखा कि फिल्म रिलीज हो चुकी है. राजन एक्टर, हाउ डू यू साइलेंस स्टार्ट इज इट फॉर यू? इट इज साइलेंस. For anybody, it's sad, right? Yeah. But we've done everything we can, and you know, whatever responses I've got on Twitter, you can actually see that piece of proof. They've all said that we've seen it and we want to watch it again. And I really request you, please go watch it in theaters. Yeah, this experience is not the same. Thank you. Thank you.